सेक्रेटरी कौन है आरा का, और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा, तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा तो करो। बेतिया में छात्र नेता को गाली गलौज करके डिप्टी सीएम रेणु देवी सुर्खियां बटोर रही हैं। जब से रेणु देवी का ये बयान वायरल हुआ है तब से सवाल उठना आम हो गया है कि क्या बिहार की राजनीति में भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं राजनेता, क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव भगचूनर बोलकर और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी कभी तेजस्वी को लबरा और कभी मीसा भारती को लबरी बोलकर ट्विटर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। बिहार में राजनेताओं के गिरते भाषाई स्तर पर जब पटनावासियों से सवाल किया गया तो देखिए इस पर पटनावासी क्या कह रहे हैं। सही तो नहीं है, लेकिन लोग आपस में इस प्रकार की आवाज उठाते हैं दूसरे के खिलाफ, तो हो सकता है कि वो पार्टी बेसिस पर ऐसा करते हो, ऐसा हो सकता है। गलत मैसेज तो जाता ही है, ऐसी भाषाओं से परहेज कर लेने में ही अच्छा ही है। सबसे बुरा लगता है कि आप किसी को इस प्रकार की बात बोलते हैं तो शब्द का उच्चारण जो है वो थोड़ा सही होना चाहिए, किसी आप रिस्पेक्टेड पर्सन को अगर कुछ बोलते हैं तो वो थोड़ा सा सही भाषा का इस्तेमाल करें। ये बिहार के जनता को आशीर्वाद है, लोग जैसा चुनिएगा वैसा ही आपको रिप्लाई मिलता है। आप बबूर बोल के खजूर नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने रेणु देवी जैसे नेता को चुना है ये सब तो सुनने को मिलेगा, इसीलिए हमारा अपील है कि साक्षरता के आधार पर नेता बनाया जाए ताकि आगे हमारा भविष्य अच्छा हो। ये तो बहुत बुरी बात है कि विद्यार्थियों को ये अफसर बात नहीं बोलनी चाहिए। ये जानते हैं कि विद्यार्थी पर पूरा भविष्य टिका हुआ है और विद्यार्थी को इस तरह का भाषण बोले वो बहुत अच्छी बात नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। लालू यादव एक बार भगचूनर दास बोल दिए थे, वो तो कपिल शर्मा है, कुछ भी बोल सकते हैं। लालू यादव कॉमेडी नेता है तो उनके बात का हम ज़्यादा हम नहीं देते हैं उनको बात का। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए नेताओं को, एकदम बचनी चाहिए। जब सब और इसको धीरे धीरे जो आम जनता थी इसको इंजॉय करना चालू किए कि अपशब्द बोला गया, उसको ज़्यादा फुटेज मिलना चालू हुआ, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा यूज़ होना चालू हुआ तो लोग जानना भी चालू किए और इससे टीआरपी बढ़ना चालू हुआ। तो ये नेतागण या राजनीतिज्ञों को भी ये पसंद आना चालू हुआ कि अगर कुछ अटपटा कुछ करे तो इसकी वजह से हमें फुटेज ज़्यादा मिलता है। तो ये सिंपल आपस में मेरे मतलब हमको नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई इनका उस शब्द से शाब्दिक कोई उनका अर्थ रहता हो, बट चूंकि उनको फुटेज चाहिए होता है इसलिए वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब साफ है कि नेताजी सुर्खियों में बने रहने के लिए कई बार ऐसी बदजुबानी कर जाते हैं, तो कभी कभी डिप्टी सीएम रेणु देवी वाली स्थिति बन जाती है कि मैडम को पता भी नहीं था और वीडियो बन जाता है और आगे चलकर ये वीडियो वायरल भी हो जाता है और इसके बाद सियासी किरकिरी भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।